सो हेलो एवरी वन, माई नेम इज आयुष गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माई अदर न्यू ब्लॉग। तो ये है पुणे पार्ट 3 डे 1। सो गाइस, ये वन डे का ट्रिप है, तो मैं अभी यहाँ पर आया हूँ लाल महल यहाँ पर विजिट देने। तो मेरे फ्रेंड्स लोग भी है इधर आजू बाजू में, तो अभी हम लोग अंदर जाके देखते हैं यहाँ पर क्या है और मैं आपको वो सब बताता हूँ। तो चलिए अंदर जाते हैं एंड स्टार्ट करते हैं मेरा ब्लॉग। और अगर आपने मेरा पार्ट 1 और पार्ट 2 ब्लॉग नहीं देखा है पुणे का, तो प्लीज़ वो भी चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर ऊपर आपको कार्ड्स में भी दिखता रहेगा, तो वहाँ से भी उसको देख सकते हो। तो चले जाते हैं अंदर, स्टार्ट करते ब्लॉग। लाल महल 1630 में बना था और उसको बनाया था शाहजी महाराज ने, जो थे शिवाजी महाराज के पिताजी। और आपको यहाँ पर लाल महल का इन्फॉर्मेशन भी पढ़ने मिल जाएगा, तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। सो गाइस, ये लाल महल का एंट्री गेट, तो चले जाते हैं। गाइस, यहाँ पर आपको एंट्रेंस भी दो दिखेंगे। तो अभी हमको यहाँ पर शूज उतारना है, शूज उतारने का दिया है, तो हम शूज उतार के जाएंगे अंदर। ओके, तो चलिए भाई लोग रेडी एकदम इधर। हाँ, गजब बेइज्जती है भाई लोग, बोलो तो यार। यहाँ पे शूज उतार देना कंपलसरी है। ओके सर। क्या बोला तूने? तो गाइस, इसके मामा उधर बैठे हैं, तो इधर शूज निकाल दे। चलिए गाइस, अब मैं जा रहा हूँ महल के अंदर, तो चलिए महल को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। तो गाइस, ये महल अंदर से बहुत ही अच्छा दिख रहा है। यहाँ पर 3 झूमर है, देख सकते हैं बहुत लोग आए हुए हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ की कुछ स्टोरी बता देता हूँ। शिवाजी महाराज ने पुणे सिटी को दोबारा जीवन करने के लिए लाल महल बनाया था। आज के समय में लाल महल को फिर से बनाया गया है और ये शनिवार वाड़ा के बाजू में ही है। आपको यहाँ पर रायगढ़ का एक छोटा सा मिनिएचर स्टैचू भी देखने मिलेगा। सो गाइस, अभी इस वक्त मैं हूँ लाल महल में। शाहिस्ता खान के लिए बहुत ही फेमस है। शाहिस्ता खान ने पुणे सिटी पे अपना कब्जा कर लिया था। वो अपने बहुत बड़ी मुगल सेना के साथ लाल महल में रुका था। वो अपनी बहुत बड़ी मुगल सेना के ओवर कॉन्फिडेंस में था। शिवाजी महाराज, जो कि गोरिल्ला लड़ाई में बहुत ज्यादा कुशल थे, उन्होंने रात के समय लाल महल पे आक्रमण किया। जब शाहिस्ता खान की आँख खुली, तो उन्होंने शिवाजी महाराज को अपने सामने पाया और अपनी जान बचाने के लिए लाल महल की खिड़की से कूद गया। शिवाजी महाराज ने उसके ऊपर वार किया, वो उस वार से तो बच गया पर उसकी हाथ की उंगली कट गई। लाल महल में आपको बहुत सारे पेंटिंग देखने मिल जाएंगे, जो शिवाजी महाराज का बचपन और जो यहाँ पर उन्होंने लाल महल में टाइम बिताया था, वो सब आपको देखने मिल जाएगा। और ये जो पेंटिंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से पेंटिंग बना है। लाल महल में आपको जीजा माता का बहुत ही ब्यूटीफुल स्टैचू देखने मिलेगा एंड यहाँ का स्ट्रक्चर भी बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पर आपको बहुत सारी वॉल पेंटिंग्स भी देखने मिल जाएंगी और महल के बाहर आपको पर स्टैचूज भी देखने मिल जाएंगे जो एंट्री गेट पे है। एंड यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे स्टैचूज देखने मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पर। गाइस, आपको अंदर पेंटिंग भी दिखने मिल जाएगी जिसमें शिवाजी महाराज की पूरी स्टोरी है, तो आप यहाँ पर आके विजिट कर सकते हो। आप वो ब्लॉग में ज़रूर देखना। तो चलिए गाइस, करते हैं हमारा ब्लॉग यहाँ पर एंड और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं, तब तक ले बाय।